हैं भाई? तो बढ़िया। चलिए, तो पिछली क्लास के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल की बात की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हमारे पास चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली एटॉमिक रेडियाई, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और चौथी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमारे पास कितने टाइप की होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? चार। जल्दी बताओ क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गई थी, अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम पहला पढ़ रहे हैं आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहला हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई, दूसरा पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और चौथा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें पहला कि एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो जनरली कभी भी हमने एटम तो देखा है नहीं। तो एटम अगर नहीं देखा तो फिर अब क्या करें? तो एटम जब नहीं देखा होता तो हम क्या करते हैं कि एटम की स्टडी करने के लिए उसे स्फेरिकल मान लेते हैं। तो अगर एक जनरल डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा उसका जो वैलेंस शेल होगा सबसे, उस वैलेंस शेल से जो इस न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, परंतु इस एटॉमिक रेडियाई को हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज एटम की सर्टेन ज्योमेट्री नहीं होती, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होने की वजह से हम ये रेडियाई कंसिडर नहीं कर सकते। क्या बोला? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? वेल डिफाइंड बाउंड्री एटम की नहीं होने की वजह से, एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होने की वजह से हम एटॉमिक रेडियाई कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई कंसिडर करने का एक तरीका होता है कि जो एटम नेचर में जिस फॉर्म में पाया जाता है हम उस फॉर्म में उसकी रेडियाई निकाल लेते हैं। जैसे एटम की बात करें तो एटम कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि एटम कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोवेलेंट रेडियाई। आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड बना करके वो आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं, तो आयनिक रेडियाई। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं, तो उनकी होती है वॉन्डरवॉल रेडियाई। कुछ एलिमेंट यानी कि एटम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मेटल की फॉर्म में रहते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल बना लेते हैं, तो इसका मतलब मेटेलिक रेडियाई। तो इस एटॉमिक रेडियाई को हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बताओ, पहला वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी, अगर वो मेटल क्रिस्टल में है तो मेटेलिक रेडियाई बन जाएगी, अगर वो आपके क्या बना रहा है आयंस तो क्या बन जाएगी? आयनिक रेडियाई, और अगर वो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन में है तो कौन सी बन जाएगी? वांडरवाल्स रेडियाई। तो हमारे पास चार तरह की रेडियाई होती है। ठीक है, उनमें से हम पहली पढ़ रहे हैं कोवेलेंट रेडियाई। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो है वो एटॉमिक रेडियाई जो होती है उसको अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल होता है उसकी डिस्टेंस। लेकिन ये एटॉमिक रेडियाई मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एटॉमिक रेडियाई मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एटम की सर्टेन या वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है जिससे हम डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए जो एटम जो होते हैं जिस स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, उस स्टेट में उनकी रेडियाई निकाली जाती है। इस बेसिस पे चार रेडियाई होती हैं। ठीक है, पहली होगी कोवेलेंट रेडियाई। क्या बोला? जल्दी बताओ, कोवेलेंट रेडियाई। क्या बोला? जल्दी बताओ, कोवेलेंट रेडियाई। अब कोवेलेंट रेडियाई में भी दो आएंगी, पता है कैसे? कोवेलेंट रेडियाई का मतलब होता है कि एटम मिलकर के बनेंगे। अगर आपका सेम सेम एटम से मिलकर के मला मॉलिक्यूल है तो उसकी आ जाएगी होमो। उस तरह के मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? होमो डाई एटॉमिक।
और अगर अलग अलग एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल है तो उसको क्या कहते हैं, हेट्रो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो यानी हमें दो तरह से कोवेलेंट रेडिया निकालनी पड़ेगी, एक होमो डाई एटोमिक की और एक हेट्रो डाई एटोमिक की। अब ये होमो डाई एटोमिक की हम पहले पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक एटम और दूसरा एटम आता है और इस तरह से मिलकर के कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाता है। ये चीज आपको शायद अगर नहीं आती तो कोई परेशान मत होना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है कि जब एक एटम और एक एटम आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने के बाद ये कुछ ओवरलैपिंग एरिया कहलाता है ये, ठीक है। ये एरिया कौन सा है, ओवरलैप्ड हो जाते हैं, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। ये दो एटम है, एक ए, ये भी ए, ये न्यूक्लियस और ये मिलकर के उन्होंने क्या बनाया है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब इन दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है इंटर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का नाम होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। अब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर आधा कर दिया जाए, तो देखो आप यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक होगा तो क्या होगा, आर ए डिस्टेंस। यहां से यहां तक का भी होगा तो क्या होगा, आर ए डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां तक क्या हुई है, आर ए, ये भी क्या हुई, आर ए। तो यानी कि डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो डी यानी डिस्टेंस ए ए बराबर कितना मिला के होगा, डी ए प्लस आर ए प्लस आर ए, और हमें रेडियाई निकालनी है तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ए ए बाय टू। ये डी ए ए मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या बॉन्ड लेंथ, ठीक है। डी ए ए क्या होगा जल्दी बताओ, या तो बॉन्ड लेंथ बोल देगा, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल देगा, और या डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई बोल देगा। ये न्यूक्लियस थे, ये ओवरलैपिंग एरिया हुआ था, ये ओवरलैपिंग एरिया हुआ था, ठीक है। यहां से अगर मैंने इसको आधा किया तो ये आपका कहलाता रेडियाई ऑफ ए, ये रेडियाई ऑफ ए, दोनों को मिला दोगे तो डिस्टेंस ऑफ ए ए के बराबर होगा, और अगर आर ए निकालना है तो इसका आधा कर दो। अब सवाल कैसे आएंगे देखो, इफ डी सी एल सी एल इज 1.98 एंगस्ट्रॉम देन आर सी एल इज, क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है, डी सी एल सी एल इज, सी एल सी एल है 1.98 एंगस्ट्रॉम, तो वो कह रहा है कि देन आर सी एल क्या होगा, आर सी एल कितना है। तो आपको फॉर्मूला आई गया कि डी सी एल सी एल तो ये रखा, आर सी एल निकालना है तो डी सी एल सी एल 1.98 रखा, बाई 2 करेंगे तो 0.99 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इस तरह से आपको ये किसकी निकालनी है, होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स की, किसकी, होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। चलो नोट कर लो इसको फटाफट। अब आ रहा है आपका हेट्रो, क्या आ रहा है, हेट्रो, क्या आ रहा है, हेट्रो। हेट्रो के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक एटम है ए और ये है बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ए, यहां से यहां क्या हो जाएगी, आर बी, और ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डी ए बी। देखो फिर से कह रहा हूं, आपको अगर डाउट आए कि यार ये ऐसे मिलते हैं तो ये ऐसे गोला करके मिलते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग
ये केमिकल बॉन्डिंग में आ जाएगी, इसको यहां पर नहीं समझ सकते, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो इसी तरह से बनता है, ठीक है। यहां पर मैं कोवेलेंट बॉन्ड नहीं समझा रहा हूं, यहां मैं समझा रहा हूं रेडियाई। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो अभी आपको ध्यान रखना है, बाकी आगे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से डी ए बी बराबर कितना होगा, ये आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स, ये मोड ले लेंगे। डेल एक्स यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है ये हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आगे आएगा, लेकिन अब चूंकि यहां इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए मैं हल्का सा हिंट देता हूं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड होता है ना इसको कहते हैं डंडे को, कोवेलेंट बॉन्ड। इस कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपनी ओर, ए, उसकी वजह से यहां डेल्टा नेगेटिव यहां डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मॉलिक्यूल चेंज कर देते हैं, सी और डी ले लो और बोलता है कि इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ डी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सी, तो क्या होगा, ये अपनी ओर खींचेगा कौन, डी, तो यहां नेगेटिव आएगा यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। बस मैं आपके लिए बता देता हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कुछ एलिमेंट के लिए जो आपको ध्यान होनी चाहिए अब हमेशा। इसकी होती है 2.1, इसकी 1.5 बढ़ा दो अब, और नीचे आते आते इसकी अप्रोक्सीमेट 3। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा, ये आपको कभी गिवन नहीं होगी, कहीं नहीं दिया जाएगा, आपको पता होनी चाहिए, ये आपको माना जाता है कि आपको याद होनी चाहिए एज अ सिंसियर स्टूडेंट, एज अ जेई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, ओलंपियाड एस्पिरेंट, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो उसके एस्पिरेंट के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर सबको। तो अब ये मान लिया कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर जो रेडियाई निकाल रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा अब वो निकाल सकते हैं आप, कैसे निकालोगे, मान लीजिए यहां पर कोई मॉलिक्यूल आ गया H और Cl, तो H की तो आ गई 2.1, Cl की आ गई 3, दोनों का माइनस आया तो 0.9, यहां पर मोड रखना है इसलिए नेगेटिव प्लस आए या माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0.9, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप, क्लियर, नोट करो इसको। हो गया। अब एक खास बात, ये जो फॉर्मूला इसमें जो आर ए है वो क्या है, रेडियाई ऑफ ए, कंडीशन है कि इन एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में ही रखना है फॉर्मूले में आपको, यानी अगर फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पिकोमीटर में दे दे या किसी और में दे दे तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे, आप समझ गए। फॉर्मूला जो बना हुआ है वो किस रेडियाई के लिए बना हुआ है, जब आप ये एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, ठीक है, समझ गए, तो ये एंगस्ट्रॉम में ही आना चाहिए, क्या बोला जल्दी बताओ, ये एंगस्ट्रॉम में ही आना चाहिए। अब यहां एक सवाल पूछेगा आपसे कि जैसे जो आर ए प्लस आर बी है और ये जो डी ए है और ये डी बी है, ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों में से ये ज्यादा वैल्यू आएगी या ये ज्यादा वैल्यू आएगी, सोचो, ये वैल्यू कम आई है, यहां माइनस 0.9 आया था डेल एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू थी, यानी कि जो एच और सी एल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रेडियाई थी,
एच की रेडियाई सीएल की रेडियाई दोनों का अगर जोड़ देते तो वो रेडियाई नहीं आ रही है, उससे कम आ रही है, उससे कम आ रही क्योंकि माइनस कर रहे हो आप इस सम में से। तो सवाल पूछता है कि ये कम क्यों आ रही है, सवाल क्या पूछ रहा है, कम क्यों आ रही है, सवाल क्या पूछ रहा है, कम क्यों आ रही है। क्योंकि जब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में हल्का सा अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही इन दोनों में हल्का सा अट्रैक्शन होगा तो ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रही थी वो कम हो जाएगी। इन दोनों में हल्का सा अट्रैक्शन होगा, हल्का सा अट्रैक्शन होगा, हल्का सा अट्रैक्शन होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, और वो घटेगी कितनी, इतने, और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। ये उसने कैलकुलेट किया था, ठीक है, क्या बोला मैंने बताओ, कैलकुलेट किया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये कम आ रही है, रीजन बिहाइंड इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आने से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे लेंथ कम हो रही है। नोट करो इसको, हो गया, चलो तो क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम आएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर डिफरेंस ज्यादा आ गया तो लेंथ और कम हो जाएगी, इसलिए इसका भी रोल आया। ये जो फॉर्मूला था शूमेकर और स्टीवेंसन ने दिया था, किसने दिया था, शूमेकर स्टीवेंसन, शूमेकर स्टीवेंसन। अब यहां पर एक खास बात आएगी, पता है क्या, पहला सवाल आपसे पूछेगा ये कोवेलेंट रेडियाई है, ये आपके आर कोवेलेंट रेडियाई थी, लेकिन अगर एटॉमिक रेडियाई ओरिजिनली में इसकी निकाली जाती, अगर ओरिजिनल में इसकी एटॉमिक रेडियाई निकाली जाती तो शायद यहां तक आती हो, तो वो आपसे पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में ओरिजिनली में ज्यादा कौन सी होगी, तो आप आंसर देंगे एटॉमिक रेडियाई, कौन सी ज्यादा होगी, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो अब इसमें एक सवाल पूछा जाएगा कि इफ CR मतलब कोवेलेंट रेडियाई ऑफ X इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई ऑफ Y, देन आइडेंटिफाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ, आइडेंटिफाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ X एंड Y, देन आइडेंटिफाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ X एंड Y, सोचो करो इसको फटाफट। अब देखो आपने सोचा होगा तो आपको आंसर क्या है बताएं, एटॉमिक रेडियाई ऑफ X इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ Y, लेकिन आप जब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे तो पता है क्या सोच रहे होंगे कि सर इस गैप पे डिपेंड करेगा, अगर ये गैप बढ़ गया तो हो सकता है आंसर चेंज हो जाए। तो यहां पर ये सवाल आपको कराने का सिर्फ एक ही मतलब था कि इस गैप के बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था आपको, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अपने लिए एक की पॉइंट दे रहा हूं, जो ऑर्डर कोवेलेंट रेडियाई का होगा वही एटॉमिक रेडियाई का आएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस को नेग्लिजिबल माना जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस कभी भी आप बोलो मेजर नहीं करते हैं, नेग्लेजिबल माना जाता है, इसको नेगलेक्ट किया जाता है, इस डिफरेंस को हमेशा नेगलेक्ट किया जाएगा, इसलिए जो ऑर्डर कोवेलेंट रेडियाई का आएगा वही एटॉमिक रेडियाई का आएगा, दोबारा बोलो, जो ऑर्डर कोवेलेंट रेडियाई का आएगा वही किसका आएगा, जल्दी बोलो, वही एटॉमिक रेडियाई का आएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट था, गड़बड़ हो जाती है इसमें बहुत ज्यादा,
आगे बढ़े, अब इधर देखो, अब हमारे पास जो कोवेलेंट रेडियाई है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, अलग अलग होती है। कौन कौन सी? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। इसका मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ये होती है डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, ये होती है ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। अब यहां पर क्या होता है, ये कहलाता है बॉन्ड। क्या है ये? बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड होता है तो उसे बोला जाता है, इन दोनों के बीच में, दो एटम के बीच की बात कर रहे हैं, इसमें एक बॉन्ड है तो क्या नाम है? सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। दो बॉन्ड है तो क्या नाम देते हैं? डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। तीन बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। नहीं आया ना समझ में? क्लियर है सबको? अब बात करते हैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई और ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? ये होते हैं बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अगर मैं यहां पर सिर्फ दो एटम के बीच में बॉन्ड देखूं तो कितना है? वन, ठीक है। यहां देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे? टू। यहां देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे? थ्री। बॉन्ड ऑर्डर एक तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बताता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बोल रहा हूं, आपको उसको नहीं समझ में आया तो याद रख लें कि जब भी बॉन्ड बनता है तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है क्योंकि बॉन्ड तभी बनता है जब एटम एक दूसरे के पास आते हैं। तो जब भी बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन होता है। यहां एक बॉन्ड बना तो इनमें अट्रैक्शन हुआ होगा, यहां दो बॉन्ड बना तो अट्रैक्शन ज्यादा हुआ होगा, यहां तीन बॉन्ड बना तो अट्रैक्शन और ज्यादा हुआ होगा। इसका मतलब समझे क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो मैं आराम से लिख देता हूं इसको कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज। अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा तो रेडियाई भी डिक्रीज होगी। तो अब इन तीनों में से देख के बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी है? सिंगल बॉन्ड वाले की रेडियाई सबसे ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड वाले की रेडियाई सबसे ज्यादा होगी। नोट करो इसको। चलो जल्दी, हो गया? बताओ, अगर आपसे पूछे ये कौन ज्यादा, इसका ज्यादा आएगा? ये कौन ज्यादा, ये ज्यादा आएगा? बोलो। कभी कभी सिंगल बॉन्ड रेडियाई देखनी है तो अगर साइज ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। जैसे अगर आपसे बोले एच एच और सी एल सी एल
तो देखो इसमें कैसे देखा अपन ने, अगर मैं एच लूंगा तो ऐसे छोटा होगा ये एच भी लूंगा तो भी ये छोटा होगा, तो रेडियाई इतनी सी होगी। लेकिन जब मैं सी एल लूंगा तो थर्ड पीरियड का ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसको मीजर करेंगे ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा आएगी, इसका मतलब ये ज्यादा आएगा। अगर अब सिंगल बॉन्ड में अगर कंपेयर करवा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में अगर कंपेयर करा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर साइज बड़ा होगा तो फिर बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। तो अगर वो बोले कि एच एच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि सी एल सी एल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप किसकी बोलोगे, बोलो सी एल सी एल की। अगर मैं बोलूँ कि एफ एफ की लेंथ ज्यादा है, सी एल सी एल की रेडियाई ज्यादा है, बी आर बी आर की सिंगल बॉन्ड ज्यादा है या आई आई की ज्यादा है, अब किसकी ज्यादा बोलोगे, सोचो आई आई की। क्लियर? तो इस तरह से आपसे बॉन्ड लेंथ के सवाल भी पूछ सकता है। चलो करो फटाफट इसको जल्दी। हो गया? अब एक सवाल आपसे पूछे अगर कि एक्स एक्स बॉन्ड लेंथ इज 1.00 एंगस्ट्रॉम, सी सी बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज 2 और सी इज 3, देन सी एक्स बॉन्ड लेंथ इज, ठीक है, यूज ये बोल रहा है यूजिंग, वैसे अब बोलेगा नहीं है, शूमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला, वैसे बोलेगा नहीं, क्यों बोलेगा वो, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट एटम्स हैं, फॉर्मूले में हो सकता है बोल दे कि शूमेकर स्टीवेंसन फॉर्मूला आप यूज करो, हो सकता है ना बोले आप ही को यूज करना है। चलो बताओ सॉल्व करो इसको फटाफट। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की 3 है, ये 2, इसको करो जल्दी। अब देखो कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग स्टीवेंसन फॉर्मूला में यहां आएगा डी सी एक्स बराबर, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं एक्स की तो क्या आएगा, वन, एक मिनट पहले फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला बनता है कि आर सी प्लस आर एक्स माइनस 0.09 डेल एक्स। अब आर सी निकालना है तो एक्स एक्स दे रखा है उसने 1, अगर मैं आर एक्स करता तो याद है 1/2 आता, प्लस यहां अगर मैं करूंगा आर एक्स लिख लो यार, ये आर सी हो गया, ये एक्स सी कर लो या आर सी कर लो एक ही बात है ना। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, यहां पे सी एक्स पूछा है तो सी एक्स लिख दो यार, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसे टेंशन मत लेना मतलब ये चीजों की, ठीक है ना। चलो इधर देखो तो ये आ गया 1/2, यहां निकालोगे तो 1.54 एंगस्ट्रॉम है बाय 2, ठीक है, यहां पर आपका -0.909 डेल एक्स निकालो जरा, 3 और 2 1 यानी 1 आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो आप, कर लेंगे सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा आपका, इस तरह के सवाल भी कर लेंगे।
अब देखो इधर आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई क्या होती है? आयनिक रेडियाई को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा दो तरह की रेडियाई होती है, एक आयन दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो कैटायन होगा तो कैटायनिक रेडियाई, और अगर एनायन होगा तो एनायनिक रेडियाई। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, कैटायन होगा तो कैटायनिक रेडियाई और अगर एनायन होगा तो एनायनिक रेडियाई। कैटायन होगा तो कैटायनिक रेडियाई, एनायन होगा तो एनायनिक रेडियाई। क्लियर सबको? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैटायनिक रेडियाई। अगर हम बात करते हैं कैटायनिक रेडियाई की, किसकी बात करते हैं? कैटायनिक रेडियाई की। तो कैटायन कैसे बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें हम तो ये बनेगा। मान लीजिए यहां 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। क्या मान लिया अपन ने? 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। तो अब यहां कितने रह गए? 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। यानी कि इसको यहां पर देखो, 10 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉन खींचने थे। यहां अगर हम बात करें कि 10 प्रोटॉनों को अब 9 इलेक्ट्रॉन खींचने, ये इन इलेक्ट्रॉन को 10 को खींच रहा है, ये 10 9 को खींच रहा है, तो ज्यादा खींचेगा ना, ज्यादा खींच लेगा। अगर ज्यादा खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कैटायनिक रेडियाई ऑलवेज स्मॉलर देन कैटायनिक रेडियाई ऑलवेज स्मॉलर देन बोलो जो भी उसकी एटॉमिक रेडियाई होगी, उससे हमेशा कम होगा, हमेशा कम आएगा। और मैं यहां अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ा दूं, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो यहां A+2 हो जाएगा, तो यहां 8 और 10 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। सोचो जल्दी। आहिल खान, समझ में आ रहा है? आहिल खान को बहुत डाउट आते हैं आजकल, ग्रुप पे देख रहा हूँ, बहुत डाउट आ रहे हैं आहिल खान को, है ना? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये कोई डाउट तो नहीं है आहिल? हाँ। तो जब यहां पर आप क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे आहिल, तो क्या होता जाएगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज उतना छोटा हो जाएगा। क्या बोला? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, कैटायनिक रेडियाई डिक्रीज। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। रीजन समझ में आया नहीं आया? पहले बता आहिल। ए आहिल बा, समझ में आ रहा तुमका? है ए भैया का बुड़बक तो नहीं बना रहे हमको साला तुम? है हाँ हाँ बोल रहे हो साला, जबरदस्ती ऐसे तो नहीं बोल रहे साला? ये कौन सा थ्योरी है जो हमको पढ़ा रहे हो? क्यों आहिलवा को बुड़बक बना रहे हो? ए बुड़बक नहीं बना रहे तुमको, तुमको बना नहीं सकते, चिंता मत करो, तुम इधर याद करो जल्दी। चलो हो गया। ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ कैटायनिक रेडियाई, चलो बताओ।
तो यहां पॉजिटिव ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, इसका बड़ा, यहां और यहां इसका, ये, क्योंकि अभी बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कैटायनिक रेडियाई कम हो जाएगा। दोबारा बोलो क्या बताया था, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कैटायनिक रेडियाई कम हो जाएगा। दोबारा बोलो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कैटायनिक रेडियाई कम हो जाएगा। क्लियर? अब एक सवाल आएगा, देखो इंपॉर्टेंट, कि जब हम Na प्लस ले रहे हैं इसका साइज बड़ा, इससे बिल्कुल सही है, जीरो है यहां पे, तो यहां है, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम बना दूं, तो क्या हो रहा है कि जब हम चेक कर रहे होते थे यहां से यहां जाने पर जो है ना गैप बहुत ज्यादा आता है, डिफरेंस अचानक से बहुत ज्यादा होता है, जबकि यहां से यहां गए तो ये ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। मतलब समझ रहे हो आप कि यहां से यहां जो डिफरेंस है, यानी कि यहां से यहां रेडियाई कम होगी ये तो पक्का है, लेकिन जब यहां से यहां गए तो अमाउंट ऑफ रेडियाई बहुत ज्यादा कम हो गई, यहां से यहां गए तो रेडियाई कम होगी तो पक्का है, यहां से यहां गए तो भी कम होगी पक्का है, लेकिन यहां से यहां गए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडियाई डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है इन दोनों में, ये डिफरेंस इतना भयानक क्यों हो रहा है अचानक से, सोचो। देखो इधर क्यों हो रहा होगा, सोचो। अगर आप यहां सोडियम की बात करते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, जब आप Na प्लस बनाते हो तो ये थर्ड शेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ये थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर ये थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पूरा का पूरा शेल ही गायब हो रहा है, अगर ये थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पूरा का पूरा शेल ही गायब हो रहा है, अगर ये पूरा का पूरा शेल गायब हो रहा है तो साइज में डिक्रीमेंट अचानक से बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप है वो ज्यादा क्यों आया, लेकिन जब आप Na प्लस टू का बनाओगे कॉन्फ़िगरेशन तो यहां सिर्फ 2p5 आएगा, यहां क्या आएगा 2p5, तो यहां पर शेल तो गायब नहीं हुआ, ये भी सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल है, तो यहां एक जो डिक्रीमेंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से आया सिर्फ उतना ही आया, लेकिन यहां क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज छोटा हुआ प्लस शेल गायब होने से और छोटा हुआ, इसलिए एरो आए। मैग्नीशियम में देखो क्या हुआ होगा, जब आपने मैग्नीशियम प्लस बनाया 3s1 आया होगा, अब आपने मैग्नीशियम प्लस टू बनाया शेल गायब हो गया, यहां से देखो आप यहां आते ही पूरा का पूरा क्या गायब हो गया, शेल, और अगर ये शेल पूरा का पूरा गायब हो गया तो इसका मतलब क्या निकला, शेल पूरा का पूरा गायब हो गया तो साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, शेल पूरा का पूरा गायब हो गया तो इसका मतलब है साइज छोटा हो गया, साइज अगर छोटा हो गया तो फिर डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा, डिक्रीमेंट ज्यादा आएगा, आया ना। क्लियर?
तो यानी कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको कभी भी अगर कोई कंफ्यूजन आए ना, तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम। क्या बोला मैंने बताओ? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम। बस एक फंडा हमेशा दिमाग में रखना आप। जैसे आपको एक डाउट आएगा इसमें, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है? अब आप इसमें क्या क्या डाउट आएगा कि ऑर्डर ऑफ रेडियाई पूछ रहा है वो। ऑर्डर ऑफ रेडियाई। अब अगर ऑर्डर ऑफ रेडियाई की बात करें अपन, तो इस हिसाब से यहाँ प्लस है और प्लस टू है। अगर मैंने जो बताया उस हिसाब से आपने सोचा, तो आंसर आ गया आपका कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज कम होगा। ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज कम होगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज कम होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज कम होगा। लेकिन जब आप थोड़ा और दिमाग लगा के सोचोगे, तो आप देखोगे ये सेकेंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का है। आया ना? ये सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। तो अब आपने दिमाग लगाया तो आपको लगेगा थर्ड पीरियड का यानी बड़ा साइज है, बड़ा साइज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, तो साइज में कितना कम होगा कितना नहीं होगा ये चेक कैसे करेंगे? तो यहां पर क्या होता है, जैसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड है, तो इन सेकेंड और थर्ड में अगर आप देखोगे तो जितना पॉजिटिव जिसका ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। बस मतलब शेल का जो फैक्टर है वो डोमिनेट नहीं करेगा। ये डोमिनेट कब करेगा? जब मान लो ये आपका क्या होता है, सेकंड का और कोई फोर्थ का होता, तो फिर शेल फैक्टर डोमिनेट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो सेकंड और थर्ड में नहीं करेगा, थर्ड और फोर्थ हो तो भी नहीं करेगा, फोर्थ फिफ्थ हो तो भी नहीं करेगा। यानी कि दो शेल ज्यादा होना चाहिए तब शेल का डिफरेंस आएगा, तब शेल डोमिनेट करेगा, ठीक है? और ऐसे सवाल आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखो इसकी वैल्यू भी बता रहा हूं मैं, 0.76 एंगस्ट्रॉन्ग है और ये 0.72 एंगस्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो आपको अपने कॉन्सेप्ट से ही चलना है कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो साइज छोटा है, बस खत्म। क्या बोला मैंने? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो साइज छोटा। दोबारा बोलो, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो साइज छोटा। नोट करो इसको। हो गया? बस एक आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा नहीं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम प्लस टू और एल्यूमिनियम प्लस थ्री, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो फाई होता है वो होता है चार्ज अपॉन साइज, साइज मतलब रेडियाई। फाई की वैल्यू होती है 6.4, इसके लिए बहुत ज्यादा होता है इसका, और इसके लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो 6। तो अब अगर आप इसका रेडियाई निकाल रहे हैं तो यहां पर आएगा 2/r, इसका r बेरिलियम, और यहां निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 3/r एल्यूमिनियम, ठीक है? अब आप निकालो यहां पर इसकी रेडियाई, तो आप देखोगे कि क्या आएगा कि r बेरिलियम की बात करें अगर, तो बेरिलियम प्लस 2r, नॉट बेरिलियम। तो r Be प्लस 2 की बात करें अगर अपन, तो आर बीई प्लस टू की बात करने पर आर बेरिलियम प्लस टू की बात करने पर क्या आएगा, ये 1/, ठीक है? सॉरी कहाँ गया, आर बेरिलियम प्लस टू की बात करेंगे तो कितना आएगा, ये 2/6.4। तो अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू आएगी 3.2 के आसपास। और यहां आर एल्यूमिनियम प्लस थ्री निकालोगे तो आप इसको क्या करना पड़ेगा आपको, 3/6। तो 3/6 करीब करीब कितना आएगा, आर एल्यूमिनियम प्लस थ्री बराबर आएगा 0.50। तो इस कंडीशन में किसकी रेडियाई ज्यादा आई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ये जो फाई आया ना ये कैसे आता है, ये मैंने सिर्फ लिखा है, इसको समझना नहीं है आपको, मैंने सिर्फ बता दिया आपको वैल्यू निकाल करके। ये मैं आपको अगले साल एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि अगर ये आ जाता तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट से आप मेरे को बोलते कि आपने बताया था, इसमें तो लग ही नहीं रहा। इसको आपको एक बार ध्यान रखना है बस, ठीक है? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी। हो गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना?
बाकी कोई अननोन आ जाए तो मैंने क्या कहा, ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा छोटा। अब आ जाओ एनायनिक रेडियाई, अब देखो जैसे x एलिमेंट आ गया, उस x में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा x माइनस। e बाई p की बात करो तो 10 बाई 10 आएगा, ये कितना आ गया 11 बाई 10। दोबारा बोलो, ये आ गया 10 बाई 10, ये आ गया 11 बाई 10। क्लियर? अब आप सोच के देखो, पहले ये क्या कर रहा था, 10 प्रोटॉन 10 को खींच रहा था इलेक्ट्रॉनों को, अब क्या होगा ये 10 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो ये 10 11 को खींच रहा है, और अगर 11 को खींच रहा है तो ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा, कम खींचेगा, कम खींचेगा तो रेडियाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो यहां रेडियाई बढ़ रहा है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा एनायनिक रेडियाई बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर मैं कहूं आपसे कि एनायनिक रेडियाई ऑलवेज हायर देन एटॉमिक रेडियाई, तो ये सही है कि गलत है बताओ? एनायनिक रेडियाई, एनायनिक रेडियाई ऑलवेज हायर देन एटॉमिक रेडियाई, सही है कि गलत है? हमेशा ज्यादा होगी चाहे कुछ भी कर लो, जैसे x, x माइनस और x माइनस टू, कौन सा ऑर्डर ज्यादा होगा बताओ रेडियाई का? ऑब्वियस सी बात है x माइनस ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं o माइनस, o माइनस टू, बताओ कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियस बात है ओ माइनस टू ज्यादा होगा, नेगेटिव ज्यादा तो ये ज्यादा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा तो कर लेंगे, नोट करो इसको भी। तो अगर आप कभी रेडियाई की बात करें, आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर लेते हैं ना, तो देखो जरा कैसे, जैसे n माइनस थ्री, ओ माइनस टू, एफ एन प्लस, एम जी प्लस टू। अब इनकी अगर रेडियाई की बात करें तो जल्दी बताओ क्या होगा? अगर आप E बाई P की बात करें तो यहाँ E कितना हो गया 10, P 7, यहाँ पे 10, P 8, यहाँ पे 9, सॉरी 10, 9, यहाँ पर कितना हुआ 10, 11 एटॉमिक नंबर है इसका, 10, 12 एटॉमिक नंबर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो कम है, प्रोटॉन कितने 7 है, और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितने 10 है, यहां 7 है यहां 10 है, सोचो क्या हुआ होगा? अगर यहां 7 है और यहां 10 है तो इन 7 प्रोटॉन ने जब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा तो कम खींचा होगा, जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन ने 10 को खींचा होगा और यहां 12 ने 10 को खींचा होगा तो ज्यादा खींचा होगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा तो साइज क्या होगा छोटा, तो इसका मतलब इसका छोटा होगा और इसका सबसे बड़ा होगा। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर आ जाए आपके पास तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर भी आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। क्या कॉन्सेप्ट तैयार हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही साइज बढ़ जाएगा। दोबारा बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा चार्ज बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज उतना ही साइज बढ़ जाएगा। जल्दी बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा उतना ही साइज बढ़ जाएगा। क्लियर सबको?